और गांव के किसी भी व्यक्ति ने स्कूल का मुंह नहीं देखा। सबको बस खाना पीना और सोना आता था। उनमें से किसी भी व्यक्ति को अंग्रेजी तो छोड़ो, हिंदी भी सही ढंग से नहीं आती थी। वो खुद तो कुछ पढ़े नहीं थे और अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के बारे में भी नहीं सोचते थे। एक दिन गांव में एक रामचरण नाम का व्यक्ति सामान बेचने के लिए आया। 100 का माल 100 में 100 का माल 100 में। अरे भैया, ये 100 कितना होता है? अरे बड़ बात, तुझे इतना भी नहीं पता? 100 का मतलब होता है 1000 रुपए। हाँ। अरे पागल, तुझे भी नहीं पता? 100 का मतलब होता है 10,000 रुपए। इसका मतलब इतना महंगा माल हमें बस 100 रुपए में मिल रहा है। चलो चलो, सामान लेते हैं, आज तो हमारा फायदा ही फायदा होगा। हाँ। सारे गांव के व्यक्ति रामचरण के पास इकट्ठा हो जाते हैं और एक एक कर उस व्यक्ति का सारा सामान बिक जाता है। गांव में ये सिलसिला चलता रहता है। एक दिन आकाश नाम का लड़का उसी गांव से गुजर रहा था और रामचरण की आवाज सुनकर सारा माजरा देखने लगा और दुकानदार के जाते ही पूछा, अरे आप लोगों ने इतना सारा सामान क्यों लिया है? अरे बेटा, देखा नहीं तुमने, वो आदमी कितना भला मानुस है, सारा सामान इतने सस्ते में देकर गया है। तुम्हें पता है, पूरे 100 का माल 100 रुपए में देकर गया है। पता भी है 100 कितना होता है? पूरा 10,000। अरे काकी, 100 का मतलब 100 रुपए ही होता है। आपके गांव में सारे अनपढ़ लोग ही हैं क्या? ये आदमी आप लोगों को बेवकूफ बना रहा है। अरे जाओ जाओ, तुम आजकल के बच्चे क्या जानो, जाओ जाओ। बिल्कुल ही अनपढ़ लोग हैं इस गांव में तो। चलो मैं चलता हूँ। थोड़े दिन बाद गांव में एक आदमी केडी आता है। आइए आइए, और बस 1 महीने में दिन दहाड़े इंग्लिश सीखिए। हम इंग्लिश खोल के पिलाते हैं। आइए आइए और इंग्लिश सीख कर जाइए, सिर्फ 200 रुपए में, बिना मेहनत किए। 1 महीने में बोलिए फर्राटेदार इंग्लिश। महिलाओं के लिए स्पेशल ऑफर, सिर्फ 100 रुपए में सीख सकती हैं फर्राटेदार इंग्लिश बोलना। तभी वहाँ खड़ा रामू बोलता है, अरे हरिया, ए देख रहा है, ये कितनी बढ़िया इंग्लिश सिखाते हैं, है? हमें तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं होगी रे, बस इंग्लिश को घोलना है और पीना है, है? हाँ रामू, तो बिल्कुल सही कह रहा है, फिर हम फिल्मों के हीरो की तरह टपर टपर इंग्लिश बोलेंगे। हाँ चलो चलो, इनसे बात करते हैं। दोनों केडी के पास जाते हैं। क्या आप हमें सच में इंग्लिश घोल के पिला देंगे? हाँ, हम तुमको इंग्लिश घोल के पिला देगा, हमको बहुत अच्छा से इंग्लिश बोलना आता है। भैया पहले ये बताओ कि आपको इंग्लिश आती भी है या कि नहीं? यस यस, इंग्लिश कम्स टू मी, आई स्पीक इंग्लिश, आई ईट इंग्लिश, आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश इज माई फेवरेट लैंग्वेज। अरे अरे, का गजब का इंग्लिश आती है आपको तो, है एकदम बढ़िया इंग्लिश बोलते हैं आप तो। हाँ, हमने तो न जाने कितने रिक्शे वालों को इंग्लिश सिखाया है, नाउ वो लोग बड़ा इंसान बन गया। तो हमें भी सिखा दीजिए। ठीक है, आप 200 रुपए जमा करवा दीजिए और कल आ जाइएगा, आप लोग बहुत जल्दी सीख जाएगा, बिकॉज इंग्लिश इज वेरी फनी लैंग्वेज। भैया लेकिन एक बात हमारे समझ में नहीं आई कि आपने महिलाओं को 100 रुपए की छूट क्यों दी है? वो महिलाओं को फर्राटेदार तो बोलना पहले से ही आता है ना, इसलिए हम लेडीज लोगों को छूट दिया है। बात तो आपने 100% की करी है, औरतों का कोई मुकाबला नहीं है बोलने में। हाँ, अब तुम लोग जल्दी से अपना फीस जमा कराओ और मस्त लल्लन टॉप अंग्रेजी बोलना सीखो। दोनों भागे भागे घर जाते हैं और सारे गांव वालों को बताते हैं। ये बात सुनकर सारे गांव वाले केडी के ऑफिस के सामने इकट्ठा हो जाते हैं और सभी गांव वाले पैसा जमा करा देते हैं। चलो चलो, सब यहाँ आओ और इंग्लिश खोल के पी लो। केडी एक इंग्लिश नाम का डब्बा निकालता है और सबको पानी में घोल कर पिला देता है। अरे वाह, इंग्लिश पीकर तो मजा ही आ गया है।
केडी सर, हम कितने दिन में अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे? बस एक महीना और तुम लोग उन गोरों से भी अच्छी अंग्रेजी बोलना सीख जाओगे। ठीक है सर, ठीक है। अब तो इंग्लिश बोल के एक गोरी मैम ब्याह कर लाऊंगा। हाँ हाँ हरिया, अब तो बस मौज की जिंदगी कटेगी। अपने बच्चे तो पैदा होते ही अंग्रेजी बोलेंगे। हाँ हाँ, अब तो बस महीना पूरा होने का इंतजार है। एक महीने बाद। अरे हरिया, एक महीना हो गया, अभी तक हमें इंग्लिश नहीं आई है। और रामू, चल चल केडी सर के पास चलते हैं और पता करते हैं, और गांव वालों को भी लेकर चलते हैं। हरिया और रामू गांव वालों के साथ केडी के ऑफिस पहुंचे। अरे केडी सर, एक महीना हो गया लेकिन हमें अभी तक इंग्लिश बोलना नहीं आया। हाँ सर, हम कब से इंतजार कर रहे हैं लेकिन आ नहीं रहा इंग्लिश बोलना। अच्छा अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि तुम दोनों के माइंड में इंग्लिश अभी अच्छी तरह से घुली नहीं है। घुलेगी भी कैसे, तुम लोगों का माइंड छोटा है ना, इसलिए तुम लोग एक बार और इंग्लिश पी लो। सर इसके बाद फायदा तो होगा ना? हाँ हाँ जरूर होगा। सारे गांव वाले दोबारा पैसे जमा करते हैं और इंग्लिश पीकर आ जाते हैं। हरिया, दूसरा महीना भी बीत गया लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है। चल हम केडी सर के पास चलते हैं। हाँ रामू सही कह रहा है, गांव वाले भी मुझसे यही कह रहे थे, हम गांव वालों को भी अपने साथ ले चलते हैं। सारे लोग दोबारा केडी के ऑफिस पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक व्यक्ति उस ऑफिस को ताला लगा रहा है। तभी हरिया बोलता है, अरे काका, ये केडी सर कहाँ गए और आप यहाँ ताला क्यों लगा रहे हैं? उसने 2 महीने के लिए मुझसे दुकान किराए पर ली थी, अब वो चला गया, लेकिन तुम लोग क्यों पूछ रहे हो? हरिया सारी बात बताता है। तभी वो व्यक्ति बोलता है, अरे मूर्खों, पढ़ाई लिखाई ऐसे थोड़ी ना आती है, उसके लिए किताबें पढ़नी होती हैं, स्कूल जाना होता है। अगर तुम लोगों ने पढ़ाई की होती तो कोई तुम्हें बेवकूफ नहीं बना सकता था।